ओके बच्चों, हमारा आज का नेक्स्ट सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, मैथ। ओके बच्चों, ये आपकी प्रेप की मैथ्स की बुक है, मैथमेटिक्स 1 to 100। ओके बच्चों, इसके अंदर नंबर्स दिए हुए हैं, वो आपको बॉक्सेस के अंदर लिखने भी हैं। एंड देन आज हम सीखेंगे आफ्टर नंबर। हमारे पिछले वीडियो में मैंने आपको 1 to 50 तक काउंटिंग बोलकर बताई थी बच्चों, आज हम आफ्टर नंबर सीखेंगे। 1 to 50 तक के जो बीच में आते हैं उन नंबर्स के हम आफ्टर नंबर सीखेंगे। ओके बच्चों, ये आपकी बुक में भी दिया हुआ है, जिनके पास बुक है वो अपनी बुक के अंदर फिल कर देंगे बच्चों, ये देखिए। एंड देन उसके बाद में आपको अपनी मैथ्स की नोटबुक में ये देखिए बच्चों, अपनी मैथ्स की नोटबुक में आपको आफ्टर नंबर इस प्रकार लिखने हैं। सबसे पहले आप डेट डालेंगे, डेट डालने के बाद आप अपने बुक कॉपी के अंदर सबसे ऊपर हेडिंग डालेंगे राइट द नंबर विच कम्स जस्ट आफ्टर। ओके बच्चों, आफ्टर नंबर किसे बोलते हैं बच्चों? आफ्टर नंबर बोलते हैं जो बाद में आने वाले नंबर होते हैं। ओके बच्चों, जैसे हम काउंटिंग बोलते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 काउंटिंग बोलते हैं, तो हम उसमें 1, 1 के बाद में हम क्या बोलते हैं? 2। ओके बच्चों, तो आफ्टर नंबर कौन सा है? 2, जो 1 के बाद में है। ओके बच्चों, तो आफ्टर नंबर उसे बोलते हैं जो बाद के नंबर होते हैं वो। ओके बच्चों, अब ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 3। 3 का आफ्टर नंबर कौन सा है बच्चों? आप काउंटिंग बोल के देखेंगे तो आपको पता चलेगा 1, 2, 3, 4। 3 के बाद में हमने क्या बोला बच्चों? 4 बोला, तो 3 का आफ्टर नंबर कौन सा है? 4 है। ओके बच्चों, उसके नीचे आप देखिए 6। 6 का आफ्टर नंबर कौन सा है? 6 के बाद हम क्या बोलते हैं? 7। तो 6 का आफ्टर नंबर है 7। ओके बच्चों, देन उसके बाद दिया हुआ है 13 के बाद हम क्या बोलते हैं? देखिए बच्चों, 11, 12, 13, 14 13 के बाद में हमने क्या बोला? 14 बोला, तो 13 का आफ्टर नंबर है 14। ओके बच्चों, नेक्स्ट हमारा है नंबर 17। 17 के बाद हम क्या बोलते हैं? 18 बोलते हैं, तो यहाँ पे देखिए बॉक्स के अंदर 18 लिखा है। हमारा नेक्स्ट नंबर है 19 के बाद हम क्या बोलते हैं? 20 बोलते हैं। ओके बच्चों, तो 19 का आफ्टर नंबर है 20। देखिए बच्चों, नेक्स्ट नंबर है हमारा 27। ओके बच्चों, अगर आपको डायरेक्ट नहीं आ रहा है तो आप काउंटिंग बोल के करेंगे। ये देखिए बच्चों, 27 यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम काउंटिंग बोलेंगे 21 से। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 के बाद हमने क्या बोला? 28 बोला, तो 27 का आफ्टर नंबर क्या हो गया? 28। ओके बच्चों, नेक्स्ट नंबर दिया हुआ है 34 के लिए हम 31 वाली लाइन बोलेंगे। ओके बच्चों, 31, 32, 33, 34, 35 के हमने बोला, 34 के बाद में हमने बोला 35, तो 34 का आफ्टर नंबर क्या हो गया बच्चों? 35। ओके बच्चों, नेक्स्ट नंबर हमारा है 37। आप नंबर्स बोलेंगे, काउंटिंग बोलेंगे, तो आपको पता चलेगा कि 37 के बाद में 38 आता है। ओके बच्चों, तो हम यहाँ पे बॉक्स में 38 लिखेंगे। नेक्स्ट नंबर है हमारा 43। ओके बच्चों, 43 के लिए हमें 41 वाली जो लाइन होती है काउंटिंग की, वो बोलनी है। 43 के बाद क्या आता है? 44 आता है, तो हम यहाँ 44 लिखेंगे। नेक्स्ट नंबर है हमारा 45। 45 के बाद क्या आएगा? 46। ओके बच्चों, ये आफ्टर नंबर आपको इस प्रकार से करने हैं, काउंटिंग बोलनी है और जो बाद में जो नंबर आते हैं वो आपको लिखने हैं। अपनी मैथ्स की नोटबुक में आप इस प्रकार से लिखेंगे। ओके बच्चों, जो भी आप आफ्टर नंबर लिखने हैं उसके ऊपर आपको पेंसिल से बॉक्स बनाना है, ताकि आपको पता चले कि आपने बॉक्स के अंदर आफ्टर नंबर लिखे हैं। ओके बच्चों, ये देखिए इस प्रकार से आपको अपनी मैथ्स की नोटबुक में लिखना है, और लिखने के बाद में आप दोनों नंबर को फिर से एक बार बोलेंगे। देखिए इस प्रकार 3, 4, 6, 7, 13,
फोर्टीन, सेवेंटीन एटीन, नाइनटीन ट्वेंटी, ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एट, थर्टी फोर, थर्टी फोर के बाद थर्टी फाइव, थर्टी सेवन थर्टी एट, फोर्टी थ्री फोर्टी फोर, फोर्टी फाइव फोर्टी सिक्स। ओके बच्चों, लिखने के बाद आप बोलना ज़रूर, जिससे कि आपको याद हो जाएगा। अच्छी अच्छी राइटिंग में लिखेंगे और जो आफ्टर नंबर है उसके ऊपर आप अच्छे से बॉक्स बना देना। ओके बच्चों, हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप अपना ये वर्क पूरा कर लेना। बाय बाय बच्चों।